इसमें ना डुअल प्रोजेक्टर मिल जाता है, बिफोर और ये है आफ्टर। भाई फर्स्ट टाइम एलॉय भी है भाई, बट अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो, सेम एलॉय हमारे पास मिल जाएंगे, वो भी अच्छे डिस्काउंट पे। ये है भाई अपनी एलॉय व्हील जो कि न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट में आती है। या कारपेट की सेफ्टी के लिए हमने फ्लोरिंग इंस्टॉल किया इसके अंदर में, वो भी डाई वाली। इस मॉडल के लिए कंट्रोल्स भी अवेलेबल है, बिल्कुल मिल जाएगी भाई। दो वेरिएंट्स में आती है, दोनों की मिल जाएगी। एक आपको मिल जाएगी फियरलेस एस की, दूसरी क्रिएटिव वाली। सेम चाहिए तो सेम मिल जाएगी। अंदर हमने टॉप मॉडल वाली फॉग लाइट ऑन करी है, डीआरएल वाली लुक सेम वैसी लुक मिल गई है इसको। अच्छा खासा फॉग लाइट का रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। या तो आप उसमें मोटर डलवा लो, 9,500 खर्चा आएगा। प्रीमियम सेगमेंट सीट कवर जो अपग्रेड करें, पूरी लुक मिल जाएगी आपको आमरश के अंदर देखने के। आज की वीडियो में फिर से शोकेस करने वाले है आपको नेक्सॉन फेसलिफ्ट रहने वाली है। साथ में कृष्ण भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बढ़िया। क्या लेके अपनी ऑडियंस के लिए आज? आज अपने पास नेक्सॉन आई थी, इसमें 4-5 काम हो रहा है और वो सारा काम आज की वीडियो में आपको शोकेस करने वाले हैं। पहले भाई वेरिएंट की बात कर ले, कौन सा वेरिएंट रहने वाला ये है? भाई अपना क्रिएटिव प्लस एस है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट बहुत चीजें कंपनी से मिल जाती है, जो चीजें नहीं मिलती वो कृष्ण भाई यहाँ पर बैठे हैं। जैसे इसमें अलॉय आते हैं, बेस में नहीं आते वो मिल जाएंगे, मिरर आते हैं, मिरर बेस में नहीं आते वो मिल जाएंगे, 360 आता है अगर वो बेस में नहीं आता है वो मिल जाएगा आपको। बेस वेरिएंट करें तो हर एक चीज अवेलेबल मिलने वाली सारी चीजें। बट इस वेरिएंट में हम क्या कर रहे हैं वो आपकी वीडियो में आज शोकेस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज देख लो मेरे हाथ में। तो भाई ये क्या निकाल दिया आज? ये भाई फॉग लाइट का ना कवर होता है यहाँ का। ठीक है भाई, ठीक है। ये देखो टाटा का भी जस्ट निकाला हमने, इस साइड देखो तो फॉग लाइट अभी नहीं लगा हुआ है। देख लो भाई यहाँ का ना ये कवर होता है ऐसे, इसकी जगह भाई इसके अंदर टाटा के जेन्युइन फॉग लैंप आते हैं ना वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो भाई टाटा के जेन्युइन फॉग लैंप ये अपना भाई डबल प्रोजेक्टर वाला है। ठीक है, और ये आपको ओरिजिनल लूमैक्स का आता है टाटा में, तो वो आपको मिल जाता है। यानी आफ्टर मार्केट का इसमें कोई सीन ही नहीं है भाई। आफ्टर मार्केट तो इसके अंदर कोई सीन नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले है भाई। ये इसकी वायरिंग आती है ऐसे पूरी, देखो खुद की हार्नेस एक यहाँ पे ऐसे लगाया, दोनों तरफ से ना ऐसे पुट इन कर देना होता है बस, उसके बाद आपका ये जल जाएगा। ठीक है भाई, मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर इसमें ना डुअल प्रोजेक्टर मिल जाता है आपको देखने। और प्रोजेक्टर की जो थ्रो है ना वो भी काफी अच्छी है, तो नाइट के टाइम में आपको वो चीजें भी दिखवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिटमेंट भी दिखा दूँ, तो यहाँ पर फिटमेंट हो चुकी है। ब्लैंक पैनल दिखा रहा हूँ भाई, तो भाई ये देख लो, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। जेन्युइन फॉग लाइट अपग्रेड कर चुके हैं नेक्सॉन के अंदर। ये चीजें जल्दी आपको हर एक काउंटर पे नहीं मिलने। ठीक है, बाकी भाई फ्रंट में इसके अंदर डीआरएल अपग्रेड कर रहे, बिल्कुल भाई बिल्कुल। डीआरएल टॉप मॉडल वाला तो अपग्रेड नहीं कर रहे, बट हाँ लुक पूरा उसको बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है ना हम डीआरएल लगाएंगे, उसकी जो रात को लुक आएगी ना वो आपको न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट ईवी का जो लुक आता है ना वैसा मिलेगा। मतलब फ्रंट में एक फुल बोनेट डीआरएल बोनेट करेंगे, रात के टाइम तो मतलब चलती हुई बहुत बढ़िया लगेगी, बहुत बढ़िया गजब लगेगा भाई। साइड में से भाई इसके अंदर तो अलॉय व्हील अलॉय है, बट अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो, सेम अलॉय हमारे पास मिल जाएंगे, वो भी अच्छे डिस्काउंट पे। ये रेडी स्टॉक आपको मिलने वाले हैं, रेडी स्टॉक भाई, तो भाई रेडी स्टॉक आपको मिलने वाले हैं। सबसे मेन चीज सारा काम हो कहाँ पर रहा है भाई? प्रीमियम क्वालिटी स्टोर आरबी कार, आरबी कार डेकोर पे। ये हमारी दूसरी शॉप है, ठीक है, इससे पहले की वीडियोस आपने देखी थी ओल्ड शॉप की है। दोनों स्टोर मिलने वाले आपको करोल बाग, करोल बाग में ही है दोनों स्टोर। ठीक है, बाहर की साइड अभी इसके अंदर हम रेन वाइजर लगाएंगे क्रोम लाइन वाले। ओके, ठीक है, हैंडल क्रोम के लिए भी मना किया, व्हाइट ज्यादा बेटर लग रहा था, हैंडल क्रोम के लिए मैंने प्रेफर नहीं किया उनको। ठीक है, बेस वेरिएंट में भाई मिरर सीओ अपने ये वाले या फिर ऑटो फोल्ड वाले, दोनों ऑप्शंस है आपके पास। या तो जो बेस में मिरर आ रहा है ना ओल्ड नेक्सॉन का आ रहा है वो सेम उस टाइप का ही है, या तो आप उसमें मोटर डलवा लो, उसका जो कॉस्टिंग पड़ता है आपको 9,500 कॉस्टिंग पड़ता है उसका। ठीक है, या फिर आपको टॉप मॉडल वाला चेंज करवाना तो आप टॉप मॉडल वाला सेम ऐसा चेंज करवा सकते हो, इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ जाएगी 13,500 या 14,000 के लमसम में। ठीक है, मतलब 13,500 या फिर 14,000 अराउंड आपको सेम ये मिरर्स मिल जाएंगे, मतलब फुल टॉप मॉडल फील्स अपनी कार में अपग्रेड मिल जाएगी आपकी गाड़ी में। ठीक है, बाकी भाई बात कर लेंगे इंटीरियर के अंदर क्या कुछ चेंजेस कर रहे हैं। इंटीरियर में चेंजेस नहीं है, इंटीरियर में जो क्रिएटिव प्लस एस मॉडल है ना, ठीक है, इसके अंदर ये आइस ग्रे वाला इंटीरियर आता ही आता है। इसके अंदर ना भाई हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इसके साथ तो ये मैच कर रहा है, और ये आपका ओरिजिनल डो मतलब लेदर जो होता है ना वो लगा हुआ है, सेम क्वालिटी का लेदर जो है ना वो हम सीट पे डाल रहे हैं। बाकी अभी जो इसकी फिटमेंट हो रही है ना वो भी आपको दिखाऊंगा, साथ ही में हमने क्या इंस्टॉल किया, वेलकम लाइट एक इंस्टॉल करी इसमें, जहाँ पे लाइट जलती है दरवाजा खोलते हैं नेक्सॉन की। भाई नीचे की बात कर ले, क्या कुछ अपग्रेड करा गया? नीचे भी कारपेट की सेफ्टी के लिए हमने फ्लोरिंग इंस्टॉल किया इसके अंदर में, वो भी डाई वाली। अगर इसकी थिकनेस की बात करूँ ना तो 2.5 mm का शीट होता है ये, और पूरा क्रोकोडाइल होता है, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल शेप बोलते हैं इसको। और ये मतलब कोई यूनिवर्सल नहीं है, ये देखो फटेगा भी नहीं आपको, कितना ही फाड़ लो आप इसको ना, देख लो भाई। और ये ना बिल्कुल देखो आपको प्रॉपर नेक्सॉन गए, क्योंकि इसके अंदर ना ये सारे खांचे जो बने हुए हैं ना ये कंप्यूटराइज खांचे बने होते हैं, बस ला के ऐसी एज इट इज फिट हो जाता है। नेक्सॉन की लाइटिंग में ये कुछ मिल जाता है आपको देखने के लिए, इसके अंदर कस्टमाइज ऑप्शन भी मिल जाता है, व्हाइट मिल जाएगा या फिर आपको कुछ लिखवाना अपने नाम का तो वही मिल जाता है। आमरस लगा रहे भाई इसके अंदर, आमरस अभी शोकेस करेंगे आपको। ठीक है, आमरस भी लगा देंगे आज की वीडियो के अंदर। और ये देखिए ये अपना स्टीयरिंग रैप है, प्लेन है, इसको अभी रैप करेंगे अपन,
कंट्रोल्स तो इसमें आते हैं, अगर आपको चाहिए तो बेस मॉडल के लिए कंट्रोल्स भी अवेलेबल है। कंट्रोल्स भी अवेलेबल है, फुली एक टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग चाहिए मतलब ये वाला, तो ये भी आप अपग्रेड करवा सकते। प्लस अगर किसी भाई को डैशबोर्ड बनवाना है बेस मॉडल में ना, ऐसा सेम टू सेम वो कलर ऑप्शन भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप डैशबोर्ड वगैरह भी अपग्रेड करवा सकते हो। इसके अंदर भाई एम्बिएंस लाइट नहीं अपग्रेड कर रहे हैं अभी, तो भैया कह रहे थे कि अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे वो, क्योंकि इनको ना 60-40 सीट का काम भी करवाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब 60-40 सीट लेंगे ना, उस टाइम इसमें अंदर एम्बिएंस इंस्टॉल करेंगे। जो हमने बाकी पहले वीडियो डाली थी ना, उसके अंदर एम्बिएंस लाइट लगाई थी, अच्छी फिटमेंट मिल जाती है, बहुत अच्छी आती है, लुक भी अच्छा आता है उसका। और प्लस इसके अंदर क्या है ना, अभी यहाँ पे एटमोसफेयर लाइट लगाएंगे तो उसका लुक आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बिल्कुल ब्लैंक है, सेम फिनिश में। बैक एंड में बात कर ले तो भाई देख लो, इसके अंदर ये लाइट मिल जाती है, मिल जाएगी भाई, चाहिए अपने पास मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी भाई। दो वेरिएंट्स में आती है, दोनों की मिल जाएगी, एक आपको मिल जाएगी फियरलेस एस की, दूसरी क्रिएटिव वाली सेम चाहिए तो सेम मिल जाएगी, यानी एक में प्लेन जलता है और दूसरे में सिक्वेंशियल, दोनों में से आपको जो चाहिए आप कॉल करके बता सकते हो कितने का। जिस भाई को चाहिए और डिग्गी लाइट आपको रेडी स्टॉक यहाँ पर मिलने वाली है। साथ में आपको अंदर की साइड देखोगे ना आप, तो अंदर की साइड आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बूट लैंप आता है, बूट लैंप मिल जाएगा, बूट मैट मिल जाएगा आपको। ओके, मतलब जो चीज कंपनी से नहीं मिल रही वो अपने वो पास सारी चीजें मिल जाएगी। साथ में ये जो प्रिंटेड पार्ट है ना बेस में मैट आता है, वो भी चीजें आपको मिल जाएगी। और जो फॉग लाइट का डब्बा था ना वो आपका ये रहा, जेन्युइन एमआरपी भी देख लो भाई इसकी कितनी है, 3743 एमआरपी है, सिंगल पीस, सिंगल पीस की है। इसमें दो पीस लगते हैं तो आप कर सकते हो, बाकी जो काम हमने किया डिस्काउंटेड किया। बाकी जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको शोकेस किया था कि टाटा की ये वाली भी फॉग लाइट अपने पास अवेलेबल है, टाटा जेन्युइन एक्सेसरीज में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मैं दिखाऊँ ना, तो इसके अंदर जो फॉग लाइट आता है ना वो आपका गोल शेप का आता है। हाँ, तो मार्केट में लोग पता क्या कर रहे हैं, इसको ही लगा दे रहे हैं कुछ इस टाइप का मिंडा विंडा का, भाई साहब ओरिजिनल है भाई, वो चीज़ों से बच के रहना। टाटा में आएगा तो प्रोजेक्टर यहाँ पे आएगा गोल में, और चकोर वाला जो ओरिजिनल फिटमेंट का आता है ना वो आपके सामने लगा, डबल प्रोजेक्टर, डबल प्रोजेक्टर है और चकोर में आपके सामने लगा हुआ है। बाकी मार्केट में क्या, अगर आपको कोई रेट सस्ता बता रहा है ना भाई, तो उसके पीछे रीजन क्या है, वैसे ना चकोर प्रोजेक्टर आते हैं 2.5 इंचेस के, वो लगता है। बाकी जो सीट कवर के लिए बता रहा था मैं आपको, सीट कवर की फिटिंग दिखाता हूँ। तो भाई ये ना अपना वर्क स्पेस है जहाँ पे हम सीट कवर फिट करते हैं, तो ये देखो भाई यहाँ पर सीट्स रखी हुई है। हाँ, ये बाकी गाड़ियों की है। ठीक है, बाकी हम जो नेक्सॉन का लगा रहे हैं, ये बैक सीट है जो कंप्लीट हो चुका है, इसकी आप फिट एंड फिनिश और कलर जो है ना इसका चेक कर सकते हो। और गाड़ी का जो इंटीरियर कलर आया बिल्कुल सेम टू सेम है, आइस ग्रे में। ये कस्टमाइज करे हुए, रेडी स्टॉक मिल जाता है अपने पास, अपने पास रेडी स्टॉक भी है। कलर कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी हो जाएगा, प्लस जो सीटें हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं ना भाई, वो थाई सपोर्ट वाले कर रहे हैं, तो आइस ग्रे के अंदर में ना ये थाई सपोर्ट का पार्ट देखो आप, ये देखो ऐसे फिटमेंट आएगी इसके, मतलब ये फिटमेंट के बाद ना जो यहाँ पर कंफर्ट रहे मिलेगा एक्स्ट्रा मिलने वाला। अगर कोई मतलब कस्टमर शॉर्ट हाइट है या वैसे भी कुछ उनको थाई का है ना, उसके लिए थाई सपोर्ट लगवा सकते हो। क्या होगा इससे, जैसे जांघों पे ना स्वेट वगैरह आती रहती है, तो वो नहीं मिलेगा और पूरा बैक सपोर्ट मिलेगा और लुक जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपर फिटमेंट मिलने, बकेट फिटिंग का प्रोसीजर, कितने कुछ टाइम की वारंटी मिल जाती है भाई इसके लिए? भाई अपने पास 5 साल 7 साल 10 साल। और स्टार्टिंग कितने से मिल जाती है? स्टार्टिंग मिल जाएगी भाई अपने पास 4,500 रुपए, 4,500 स्टार्टिंग आपको मिलने वाली है। बाकी भाई अगर बात करें जो ये क्वालिटी अपग्रेड कर रही है, किस रेंज के अंदर आया ये भी? 8-9 हज़ार के रेंज के अंदर, 8-9 हज़ार चेकआउट कर सकते हो। प्लस बहुत सारे कस्टमर पूछ रहे थे कि भैया जो सीट कवर है वो एयरबैग फ्रेंडली है ना? बिल्कुल भैया एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर है आपके, यहाँ पे ये पोर्शन दिया हुआ है, ये आपका ना सिस्टम है आपका, देखो लुक भी आ गया इससे ना, पता नहीं लग रहा है कि इसमें लगा हुआ है, बट जब खुलना होगा तो ये यहाँ से खुल जाएगा भाई। बहुत लोग ना मार्केट में करते हैं कच्ची सिलाई लगा दी, नहीं नहीं भैया कच्ची सिलाई नहीं होती, वो चीज से आप दूर रहो, क्योंकि जो साइड से आपका पैक पीस मिल गया ना आपको, वो भैया एयरबैग में नहीं खुलेगा, तो उस चीज का आप खास कर ध्यान रखें, चाहे आप मेरे पास लगवाओ या कहीं भी इंस्टॉल कर दो। तो भाई देख लो यहाँ पर लुक दिखा दिए सीट कवर की, ओवरऑल फिटमेंट के बाद बढ़िया फिटमेंट आई। प्लस जो बैक वाली है ना, बैक पे भी अपनी थाई सपोर्ट वाला ये पोर्शन हमने दिया है, तो लुक एंड फिट एंड फिनिश भाई कुछ इसकी ऐसी है। बाकी गाड़ी में लगने के बाद तो भाई लुक दिखाएंगे आपको कैसा है। फाइनली भाई यहाँ पर अपनी नेक्सॉन जो कम्प्लीट, साथ में कृष्णा भाई कम्प्लीट सारा काम कम्प्लीट हो गए भाई। ठीक है भाई, कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर भाई। अगर बात करें क्या कुछ चेंजेस करेगा इसके अंदर, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने DRL एड ऑन करी है, पोल दिखाएंगे आपको। फॉग लाइट नहीं थी इसके अंदर, हमने टॉप मॉडल वाली फॉग लाइट ऑन करी है। ठीक है, तो फॉग लाइट जो है ना पहले भाई डबल प्रोजेक्टर है भाई। ठीक है, टाटा का जेन्युइन प्रोडक्ट रहता है, फॉग लाइट अपनी अपग्रेड करेगी, इस वजह से फॉग लाइट नहीं आती, बेस एंड में चाहिए बेस एंड में अपग्रेड करवा हो सकती है। ठीक है, अब इसका इंडिकेटर हटाना है एक बार, यहाँ पर फ्रंट फेस देख लो, ये देखो लुक देखो, जो ईवी में आती है ना DRL वाली लुक, सेम वैसी लुक मिल गई है इसको ऊपर से। तो ये DRL के बाद फ्रंट लुक बहुत ज्यादा यहाँ पर इनहांस हो चुकी है। और बात कर ले फॉग लाइट के रिस्पांस की, तो देख लो भाई कितना अच्छा खासा फॉग लाइट का रिस्पांस आपको मिलने वाला है। बाकी जितनी कंपनी की फॉग लाइट होती है ना भाई, जैसे मारुति या कोई भी गाड़ी की, उनमें इतनी रोशनी नहीं मिलती बल्कि है ना,
क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई, उसमें प्रोजेक्टर होता ही नहीं है पहली बात। हाँ, इनमें क्या डबल प्रोजेक्टर का ऑप्शन दे रखा है आपको। तो फ्रंट पे देख लो भाई, हेडलाइट और अपना यहाँ पर फॉगलाइट के बाद कितना अच्छा ब्राइट सेटअप यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। तो टाटा की जेन्युइन फॉगलाइट्स किसी भाई को चाहिए हो, ये आपको मिलने वाली है। बात करें भाई इसके प्रोसीजर की, कैसे कुछ अपग्रेड करी गई है। जस्ट आपका जो प्लास्टिक कवर होता है वो निकलेगा, ये फिट हो जाएगा उसकी जगह, और इसमें एक रिले वायरिंग डलेगा अलग से, वो लगता है। पूरी प्लग एंड प्ले रहती है, जस्ट प्लग एंड प्ले, पूरी प्लग एंड प्ले अपग्रेड करी गई। तो फ्रंट फेस देख लो भाई, DRL प्लस फॉगलाइट के बाद कितनी ज्यादा फ्रंट फेस अपना एनहांस हो चुका है। सेम फिनिश में साइड फेस में बात कर ले भाई, इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं भाई। हाँ जी, ये अलॉय व्हील्स अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। सेम टू सेम मिल जाएंगे अपने पास, सेम विद कवर विद आपका टाटा के कैप के साथ, ठीक है। टाटा के जेन्युइन अलॉय व्हील्स किसी भाई को चाहिए हो तो आपको रेडी स्टॉक यहाँ पर मिलने वाले है। बात करें भाई मिरर्स में, बेस मॉडल में मिरर नॉर्मल आते, क्या ऑप्शन रहता है अपने पास? जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था आपको, दो ऑप्शन है, या तो आप उसमें मोटर डलवा लो 9,500 खर्चा आएगा, या फिर सेम ऐसा मिरर चेंज करवाओगे तो आपका 13-14,000 खर्चा आएगा। और ये अपना की के साथ लॉक एंड अनलॉक फीचर भी वर्क करेगा, दोनों वर्क करेगा, इसके अंदर आपका एडजस्टिंग भी रहेगा और लॉक अनलॉक भी रहेगा, ठीक है। बाकी भाई इसमें बात करें कृष्ण भाई, 360 मिल रहा है, बेस वेरिएंट में क्या ऑप्शन रहता है अपने पास? बेस वेरिएंट जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में पहले बताया था आपको कि 360 का ऑप्शन है, सेम टू सेम मिल जाएगा, और जितनी इसकी क्लैरिटी है ना सेम उतनी अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब बात कर ले एक एंड्रॉइड और 360 कितने में मिल जाएगा? एंड्रॉइड 360 का सेटअप अगर आप लेके चलते हो तो बढ़िया से मान के चलो तो 16-17,000 से स्टार्ट हो जाता है, मिल जाता है बढ़िया। चलो आपका एंड्रॉइड और 360 दोनों ऐड ऑन होता है, ठीक है। अभी के लिए इसमें बात कर ले डोर वाइज अपग्रेड करेंगे, क्रोम फिनिशिंग के अंदर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, बाकी टाटा के जेन्युइन भी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। जेन्युइन सेम है, एक्चुअली है क्या, जेन्युइन जो है ना थोड़ा कॉस्टली आता है, 2200 रुपए का आता है, और ये आपका 1200 रुपए का है, तो भाई चीजें सेम है, बस यहाँ पे आपको टाटा का एक लोगो मिल जाता है। हाँ, उसकी वजह थोड़ा प्राइस ऊपर भी, तो भाई मेरे हिसाब से जहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हो वहाँ पर आप इस चीज वो सजेस्ट करते हैं हम कस्टमर को, अगर किसी को जेन्युइन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। रूफरल इस वेरिएंट के अंदर आते हैं, बेस वेरिएंट में नहीं आता, रूफरल जो है मिल जाएंगे अपने पास, सेम मिल जाएगा भाई, सेम टू सेम रूफरल आप अपनी कार के अंदर अपग्रेड करवा सकते हो। साइड फेस में ऑप्शन रहता है यहाँ पर साइड बिटिंग अपग्रेड, ये जो है ना ये वाला पार्ट जो है उसमें ना मैट आता है, इसको आप बॉडी पेंट भी करवा सकते हो, जैसे ये बॉडी पेंट है ना वैसी बॉडी पेंट उसमें करवा सकते हो, मतलब सेम टू सेम आउटर फेस फुल एक टॉप मॉडल फील्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है, ये पर्ल व्हाइट है और ये प्योर व्हाइट है, दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। हाँ, तो ये डिफरेंस माइनर डिफरेंस आपको मिल जाएगा पेंट में देने ले। सेम फिनिश में बैक एंड में बात कर लेंगे भाई, बैक एंड में मैंने पहले भी दिखाया आपको यहाँ पर कनेक्टिंग टेल लैम्प मिल रही है इसके अंदर, तो किसी भाई को चाहिए भाई अपने रेडी स्टॉक है? बिल्कुल रेडी स्टॉक है भाई, दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, सीक्वेंस वाला भी और नॉर्मल, दोनों चाहिए दोनों मिल जाएगा आपको। भाई देख लो ये चीज ना फर्स्ट टाइम कृष्णा भाई ने दिखाई थी ऑन यूट्यूब है ना भाई, फर्स्ट टाइम अलॉय भी है भाई। हाँ, फर्स्ट टाइम अलॉय भी और फर्स्ट टाइम टेल लाइट भी कृष्णा भाई ने यहाँ पर दिखा रखी है। तो भाई जिस भाई के पास नेक्सॉन हो और बढ़िया काम करवाना हो आना जस्ट भाई विजिट कर सकते हो आरबी कार डेकोर अब्दुल अजीज रोड करोल बाग, ठीक है भाई। तो बैक एंड में ये लुक रहती है, कैमरा अपग्रेड करवाना हो तो सेम टू सेम फिटमेंट में यहाँ पर आप अपना कैमरा भी अपग्रेड करवा सकते हो, भाई नॉर्मल वाला भी और 360 वाला भी, ठीक है। तो आउटर फेस मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, रिस्पॉन्स चेक करो कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। अब चलेंगे इंटीरियर की तरफ, बाकी भाई कार में एंटर करने पे आपको मिलने वाली नेक्सॉन की स्कफ प्लेट अपग्रेड करेगी, प्रोटेक्शन के काम आती है, बेसिकली लुक भी यहाँ पर लुक भी एनहांस हो जाता है इससे। दूसरा जो हमने इसमें किया है भाई वो आप देखोगे, हमने इसमें क्रोकोडाइल शेड वाली वो फ्लोरिंग करी है, तो भाई देख लो जो बिल्कुल कवर कर रही है आपके कंपनी का कारपेट, भाई क्या बेनिफिट रहने वाले इसके, इससे क्या भी है कभी कुछ खाते में गिर जाता है ना कुछ कारपेट सक कर लेता है, तो उसके लिए आपका सेफ्टी रहता है पूरा कम्प्लीटली। और बेसिकली जो हमने डाला इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक आपका लेदराइट आता है, दूसरा एक क्रोकोडाइल शेड आता है, तो ये भी आपको मिल जाएगा दोनों ऑप्शन, ठीक है। मतलब 4-5 साल इसको रिमूव करोगे ना तो सेम आपको एक न्यू गाड़ी की फील वापस बिल्कुल मिलेगी भाई, और काफी अच्छा भी रहता है सेफ्टी पर्पस के लिए भी रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर अपने GFX मैट लेजर कट मैट इसको बोलते हैं, वो इसके अंदर अपग्रेड करेंगे, एक्यूरेट फिटमेंट रहने वाली टक टू टक फिटमेंट इसके अंदर आपको मिल जाएगी यहाँ पर देखने के लिए। अब चलेंगे भाई सीट की तरफ, तो क्या कुछ चेंजेस करें भाई इसके अंदर? सीट कवर भैया हमने जैसे इसका डैशबोर्ड आता है ना आइस ग्रे कलर का, सेम वैसा हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया विद ब्लैक की पाइपिंग के साथ में, तो पैटर्न आपको दिख जाएगा। सबसे पहले जो फ्रंट फेस हमने रखा है ये आउटर हमने पूरा रखा है आइस ग्रे का, सेंटर में हमने पंचेस दिए और साइड में ये ब्लैक पाइपिंग दी है ताकि लुक थोड़ा इनहेंस हो सके। बाकी साइड पाइपिंग आ रही है ना, ये साइड पाइपिंग आ रही है प्लस ये सिल्वर स्टिच भी साथ में दी है, तो एक अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब प्रीमियम लुक मिल जाता है आपको। दूसरी चीज क्या करी हमने साइड में, क्या करा एयरबैग से, एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर है तो साइड में हमने एयरबैग का भी ऑप्शन वाला पार्ट भी यहाँ पर आपको मिलने वाला देखने के लिए, मतलब कल को जाके इंपैक्ट बाय चांस पड़ जाए तो ये खुल जाएंगे, खुल जाता है आराम से, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे भाई कहीं से कच्ची सिलाई कर रखी है, वैसा सिस्टम नहीं है। प्लस साइड में भी अगर आप चेकआउट करोगे ना डबल स्टिच हमने दे रखी है लुक एनहांस करने के लिए, और बैक साइड में ना पॉकेट मिल जाता है आपको, कुछ कैरी वगैरह करना तो आप इसके अंदर कैरी कर सकते हो। एड्रेस भी आप देखोगे तो एड्रेस भी यहाँ पे आपको चेन सिस्टम
पीछे ब्लैक और आगे आइस ग्रे सेम ऑप्शन दिया हमने इसके। ठीक है, और बैक एंड की फिटमेंट ये रहने वाली आपके सामने। तो ओवरऑल एक अच्छी खासी प्रीमियम सेगमेंट सीट कवर अपग्रेड करे गए हैं ये तो भाई आपके सामने ना, एक प्रीमियम सेगमेंट सीट कवर जो अपग्रेड करे गए इसके अंदर। अब यहाँ की बात करें भाई, क्या कुछ चेंजेस करें भाई? देखो यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं पहले बैठ जाता हूँ, ये लो भाई यहाँ पर चेकआउट कर लो। सबसे पहले चेकआउट करो, ये जो है ना फुल बकेट कस्टमाइज सीट कवर है। ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये आपका थाई सपोर्ट का एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि हमने इसके अंदर ऐड ऑन किया है, हाँ, ताकि आपके यहाँ पे थाई को पूरा सपोर्ट मिल सके। सेम पैटर्न हमने यहाँ पे दिया है ब्लैक पाइपिंग वाला, और डबल स्टिच साइड में, बीच में हमने एयर पास के लिए पंचेस दिए, ताकि गर्मी वगैरह में क्या होता है ना, स्वेट ना करे आपको। ओके, अब बात कर ले कृष्ण भाई, बेसिक स्टार्टिंग कितने से मिल जाती है? बेसिक स्टार्टिंग भाई अपने पास मिल जाएगी आपको 4500। ठीक है, 4500 स्टार्टिंग मिल जाती है, बाकी ये एक अपर रेंज क्वालिटी में अपग्रेड करा गया। अपर रेंज क्वालिटी में है और इस प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया सीट कवर है भाई ये। चलो भाई, ये तो आपको इसमें भाई, वैसे अगर बात करें कस्टमाइज ऑप्शन, कस्टमाइज मैंने जैसे कि बताया था आपको कि कल वही कलर है आपके पास, कोई डिजाइन है तो आप वैसा भी बनवा सकते हो, बस आपको थोड़ा टाइम लेके आना पड़ेगा। ठीक है, बीच में एक आमरस का ऑप्शन रहता है, किसी को आमरस मैं अभी आपको दिखाता हूं भाई। यहां पर ये इतना बड़ा डब्बा किस चीज का लेके आ गए? ये सर जब हम बात कर रहे थे ना आमरस का, ये आमरस है आपका ऐसा, ठीक है, सिंगल पार्ट है ये, है जेन्युइन आमरस जो अपनी कार के अंदर अपग्रेड करवा सकते हो। तो ये अपना पूरा ही शटर वाला पार्ट भी चेंज होता है इसके अंदर भाई, दो आते हैं इसके अंदर। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये तो अपना शटर वाला, ये देखो, हाँ, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा जो आता है ना उसमें साइड में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन रहने वाला है, किसी को आमरस अपग्रेड करवाना हो तो अभी वाला अपग्रेड करवा सकते हो अपनी कार के अंदर, और उसके बाद ये ऐसे यहाँ पर ये फिट हो जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे फिट हो जाएगा, ऐसे फिट होगा। ठीक है, तो ये देख लो, ये पूरी लुक मिल जाएगी आपको आमरस के अंदर देखने के लिए, जेन्युइन रहेगा, टाटा प्रोडक्ट रहता है, रिप्लेसमेंट सीन के अंदर रहेगा पूरा, रिप्लेसमेंट आपका पूरा जो पार्ट है ना बहुत चेंज हो जाएगा यहाँ। तो भाई आमरस दिखा दिया, नेक्स्ट क्या रहेगा भाई? नेक्स्ट भाई इसके अंदर हमने ना एटमोस्फेयर लाइट लगाई है, ठीक है, कुछ ऐसा रहता है, तो ये लाइटर के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर रखी है, इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन है, इसका रिमोट आता है, यहाँ से आप ब्राइटनेस स्लो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, स्लो हो रही है यहाँ पर, ये बढ़ रही है, ये आपका ब्लू, ये आपका व्हाइट, रेड, तो इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलने वाला है, फ्रंट दोनों और बैक एंड में भी दोनों के अंदर अपग्रेड करी गई है, हाँ, ये चीज आपको दिख जाएगी। ठीक है, दूसरा भाई नेक्स्ट बात करेंगे भाई, स्टीयरिंग के ऊपर क्या कुछ चेंजेस करेंगे? स्टीयरिंग के ऊपर भी है, एक तो हमने रैप किया है सिंगल कलर के अंदर ब्लैक में, और धागा जो हमने दिया है वो सेम हमने भाई व्हाइट धागा दिया है, क्योंकि इसका इंटीरियर पूरा ना भाई व्हाइट कलर का, आइस ग्रे टाइप का, सेम धागा दिया हमने। ये वाला डिस्प्ले है ना आपका, इस पे हमने भाई टेम्पर लगाया, यहाँ पर ये टेम्पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए जो अपग्रेड करा, क्योंकि ये पियानो पार्ट है ना, इन पे स्क्रैच जल्दी आता है, अगर आप टेम्पर लगवाते तो ये पूरा प्रोटेक्शन रहता है। ठीक है, सामने वाले के लिए भी हमारे पास टेम्पर है, बट कस्टमर से हम रिक्वेस्ट करते हैं वो ना लगवाए, क्योंकि टॉप मॉडल वाला सिस्टम होता है ना उस पर टेम्पर आपका सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, अब बात कर ले भाई सेम टू सेम, अगर बेस एंड में ऐसी कुछ फिटमेंट में एंड्रॉइड चाहिए, 12 इंच का ही आता है, 12 इंच का आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, और जो फिटमेंट है, फिटमेंट आपका बैक से है ना, सेम ऐसी फिटमेंट में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक गेट लगाना भाई, भाई बेस मॉडल के अंदर पावर विंडो नहीं आती, तो क्या ऑप्शन है? मैंने बताया था ना पावर विंडो लग जाएगा जेन्युइन वाला, सेम टू सेम फिटमेंट में सारी चीज आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, पूरा पैनल ये चेंज होगा, अंदर दो पार्ट लेंगे वो मिल जाएगा, ये जो इनर हैंडल देख रहे हो ना, ये उसमें ब्लैक मैट आता है, ये आपको पियानो में मिल जाएगा और क्रोम में दोनों मिल जाएगा, मिरर का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सनग्लास होल्डर से आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, बट आपको उसके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात कर ले भाई ओवरऑल ऐसा कुछ काम करना आना कहाँ पर है भाई? आरबी कार्डिगर अब्दुल अजीज, और भी चीज हमने लगाई है, बैक साइड पे आपको दिखाते हैं आगे, मैं दिखा दूं पहले यहाँ पर पूरी फिटमेंट आपको मिलने वाली है, मैट की जो है पूरी फिटमेंट आपको मिलने वाली है। दूसरा, आप इसके जो बैक साइड में सीट कवर लगे ना वो आप क्वालिटी चेकआउट कर सकते हो, प्लस पीछे वाली सीट में भी हमने ये पोर्शन थाई सपोर्ट में दिया है इन वाले पार्ट्स के ऊपर, हाँ। बाकी इसमें एक ऑप्शन रहेगा 60-40 में स्प्लिट करने का, 60-40 में स्प्लिट करवा सकते हो, और दूसरा इसमें आमरस लगवा सकते हो। अभी ये गाड़ी मतलब हमने ऐसी तैयार करी है, नेक्स्ट टाइम जब ये गाड़ी आएगी ना सेम इसके अंदर हम यहाँ पे कप होल्डर आपको लगा सेम टॉप मॉडल आमरस लगा के दिखाएंगे, और कप होल्डर सिंगल बैक के अंदर में, क्योंकि जो डबल फोल्ड आता है ना वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। अभी बाकी बात करें बैक यूएसबी भी अपग्रेड करी गई है, बैक यूएसबी हमने अपग्रेड करी है, जिसके अंदर भाई आपको दो ऑप्शन मिलता है, ये आपका सी पॉइंट मिलता है, ठीक है, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, ये देखो ये सी पॉइंट आपको, सी पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपको यूएसबी का ऑप्शन मिल गया, तो बैक एंड में यहाँ पर अपना चार्जर अपग्रेड करने का ऑप्शन अपने पास रहने वाला है। बिल्कुल, तो ओवर मतलब देख लो भाई बेस मॉडल लेके आओ कृष्णा भाई, कहीं नहीं छोड़ेंगे, कहीं नहीं भाई, पूरा टॉप एंड में तैयार करवा देंगे, प्लस जितना बजट फ्रेंडली होगा उतना बजट फ्रेंडली आपका वो चीज करवा देंगे। अब कृष्ण भाई बात करें ऐसा कुछ काम करवाना हो तो कितना कुछ खर्चा आया था? कंप्लीट जो काम इसके अंदर हुआ है अप्रॉक्सीमेट आपका 18 से 20 हजार के रेंज में, 18 से 20 हजार रुपए की रेंज के अंदर हुआ है। सीट कवर वगैरह, फ्लोरिंग वगैरह, मैट वगैरह है,
और आगे अपनी फॉग लाइट। बाकी इसके अंदर आप लोअर क्वालिटी में जाना हो तो लोअर क्वालिटी और मतलब और सस्ता हो जाए, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जिस टाइप की क्वालिटी आप लोगे ना उस टाइप की क्वालिटी आपको मिल जाएगी। सो भाई ऐसा कुछ काम कराना, आपको आना है भाई आरबी गार्डन को। सो भाई साथ में अपने प्राउड ऑनर, क्या नाम है आपका? सतेंद्र हुड्डा। कहाँ से आए थे सर? नजोगढ़। ठीक है, तो भाई के पास आगे कैसा लगा आपको? भाई के साथ बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा, वीडियोस देखी थी भैया के। ठीक है, यहाँ पे रेफरल किया था तो सीधा इधर ही आया। तो जो चीज आपने वीडियोस में देखी थी वो चीज आपको यहाँ पर मिल पाई? काफी कुछ, काफी हद तक बढ़िया मिली। ठीक है, और जेन्युइन पार्ट जैसे अपने फॉग लाइट्स अवेलेबल थे भाई के पास? बढ़िया है। और प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग कैसी लगी भाई? प्राइसिंग में थोड़ा सा होगा इनके साथ, आगे भी होगा। अच्छा, अभी भैया का सेकंड विजिट है? हाँ बिल्कुल सर, इनके सेकंड विजिट में जो सीट है ना वो 60-40 करवाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम भैया को एक अच्छा खासा डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, डिस्काउंट तो अभी भी नहीं दिया उन्होंने, काफी तो अच्छा मिला है, मिल चुका है। तो वैसे रिकमेंडेड है भाई के पास आना? इनका काफी काफी लोगों को भेजेंगे हम लोग। ठीक है, काफी दोस्त है यार दोस्त। और 10 में से रेटिंग देनी हो कृष्णा भाई को कुछ? बराबर, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो थैंक यू सर, ऐसे कर दो, थैंक यू।